एवरी वन वेलकम टू पॉइंट एंड द हिंदू न्यूज डिस्कशन हो सकता है जो कि आप 2020, 2020 या आगे देना चाहें तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का द हिंदू न्यूज पेपर पब्लिश नहीं हुआ है क्योंकि कल काफी जगहों पर हॉलीडे था और द हिंदू ने भी कल हॉलीडे मनाया है इसी प्रकार से कोई भी आर्टिकल कोई भी न्यूज पेपर इन्होंने पब्लिश नहीं किया है तो आज के डेट में हम करने क्या वाले हैं डिस्कशन हम पिछले जो पूरा वीक निकला है उसमें जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए जो आपके एग्जाम्स के परस्पेक्टिव से रहे उसको रिवाइज करते हैं तो चलिए फिर शुरू करते हैं सबसे पहले देखिए हमने एक आर्टिकल इस बार मंडे में देखा था कि गवर्नर से रिलेटेड रोल ऑफ गवर्नर से रिलेटेड तो आज हम उसको पहले डिस्कस करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे तो देखिए सबसे पहले गवर्नर जो है उसको अपॉइंट करने की जो पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 153 से लेके 162 तक लिखी हुई है मतलब भारत का जो संविधान है वो गवर्नर की अपॉइंटमेंट हिज पावर और एवरीथिंग रिलेटेड टू द गवर्नर जो है वो आर्टिकल 153 से लेके आर्टिकल 162 के अंडर में सब कुछ कवर करता है जैसे कि सेंटर में प्रेसिडेंट होता है गवर्नर का भी रोल स्टेट में कुछ उसी तरीके से होता है स्टेट में ये एग्जीक्यूटिव हेड की तरह काम करते हैं और स्टेट में और सेंटर के बीच में एज ए ब्रिज की तरह भी ये काम करते हैं ठीक है वही वाली बात है लेकिन जैसे प्रेसिडेंट हेड होते हैं पर प्राइम मिनिस्टर एंड एग्जीक्यूटिव ज्यादा काम करते हैं मेन काम इन्हीं का होता है तो सेम चीज गवर्नर का भी है कि ये एग्जीक्यूटिव हेड है बट मेन जो फंक्शंस हैं वो चीफ मिनिस्टर एंड उनके एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है वो परफॉर्म करती है स्टेट के अंदर गवर्नर दो टाइप के रोल अदा करते हैं एक है कॉन्स्टिट्यूशनल हैड और दूसरा वाइटल लिंक बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट द अपॉइंटमेंट एंड पावर ऑफ गवर्नर कैन बी डिराइव फ्रॉम पार्ट सिक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 153 जो है वो आपका ये कहता है कि स्टेट में एक गवर्नर होना चाहिए और एक भी कितने भी स्टेट के अंदर कोई भी बंदा गवर्नर हो सकता है हमने पास्ट में ऐसे भी काफी सारे केसेस देखे हैं जहां पे एक ही बंदा दो दो तीन ती, तीन स्टेट को एज ए गवर्नर की तरह संभाल रहा था डुअल कैपेसिटी में काम करते हैं एक एग्जीक्यूटिव हेड की तरह दूसरा ब्रिज का काम करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में क्योंकि गवर्नर की जो पोस्ट है वो फिल करी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और स्टेट में कभी कभी जो दूसरी पोलिटिकल पार्टी होती है जो सेंटर में नहीं होती है तो उनके बीच में समंजस बैठाने का काम करते हैं गवर्नर आर्टिकल 157 एंड 158 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्पेसिफिकली एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट जो है गवर्नर की वो बताता है और वो क्या होती हैं तो सबसे पहली चीज है कि गवर्नर मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया ठीक है इसके अलावा एटलीस्ट 35 फाइव इयर ऑफ एज होना चाहिए इनका किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर नहीं होने चाहिए एंड कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन्होंने होल्ड नहीं किया होना चाहिए अभी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है ये भी अपने आप में एक टॉपिक है इसको हम किसी दिन न्यूज में अगर कभी चर्चा होगी तो हम डिस्कस करेंगे आप परेशान मत होइएगा अब गवर्नर का जो टर्म होता है वो ऑफिशियली नॉर्मली पांच साल का होता है बट ये पहले भी हटाया जा सकता है ऑन द एडवाइस ऑफ द प्रेसिडेंट को अगर कोई एडवाइस देता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा मतलब ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट इनको हटाया जा सकता है गवर्नर विदाउट अ वैलिड रीजन इज नॉट परमिटेड डिसमिसल ऑफ गवर्नर विदाउट अ वैलिड रीजन इज नॉट परमिटेड इन आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर कोई गवर्नर जो है उसका एक्ट कोर्ट के द्वारा गलत ठहरा दिया गया है तो उसको भी हटाया जा सकता है और एक और इसमें जो प्रावधान है वो है कि गवर्नर जो है वो खुद से रिजाइन कर दे गवर्नर की जो पावर है या फिर उनके जो फंक्शन है या जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर से रिलेटेड चीजें हैं वो आर्टिकल वन फिफ्टी थ्री से लेकर और बीच बीच में काफी सारे आर्टिकल्स हैं वहां पर आती है जैसे कि वन फिफ्टी थ्री कहता है गवर्नर ऑफ स्टेट

स्पेशल एट्रेस बाय द गर आर्टिकल जीरो गवर्नर टू वन 213 पावर ऑफ गवर्नर टू प्रोमलेट ऑर्डिनेस ऑर्डिनेस क्या होता है जब लेजिस्लेश या पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है तो ऑर्डिनेंस के थ्रू लॉज लेके आए जाते हैं जब तक सेशन में पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर ले आ जाएगी तब तक ऑर्डिनेंस के थ्रू लॉ को इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है 217 गवर्नर इस कंसल्ट इसके भी अपने नियम होते हैं कि इतने समय में फिर आपको पार्लियामेंट में लेजिस्लेश में पेश करना है जो कि किसी डिफरेंट दिन देखेंगे गवर्नर इज कंसल्टेड बाय द प्रेसिडेंट इन द मैटर ऑफ द द अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट ऑफ 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 जजेस हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जजेस बाय द गवर्नर 233, 234 जो है है वो बात करता अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन टू द थ्री सर्विस ऑफ द स्टेट बाय द गवर्नर तो ये कुछ रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है गवर्नर से रिलेटेड जो आप लोग याद कर लीजिएगा फिर देखिए कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं लोगों के दिमाग में तो हम उनको डिस्कस कर लेते हैं क्या गवर्नर के पास मनी बिल से रिलेटेड वीटो पावर होती है तो तीन तरीके के काम जो है वो गवर्नर मनी बिल को जब उनके पास भेजा जाए तब वो कर सकते हैं पहला उसको अपनी मंजूरी दे दे और आगे पास करें एज एन एक्ट की तरह दूसरा कि उसको वो कहें कि यार ये सही नहीं लग रहा है मुझे इसमें फिर से पुनर्विचार करो तीसरा कि वो अपने पास उसको रख लें लेकिन प्रेसिडेंट तक ना भेजें जैसे एक होता है ना प्रेसिडेंट को दिखाना होता है फिर उसके बाद वो पास होता है लेकिन गवर्नर क्या करते हैं कुछ कुछ लॉस को चाहें तो अपने पास रिजर्व रख लेते हैं जो उनको नहीं चाहते हैं कि वो पास हो तो जब तक गवर्नर की मंजूरी नहीं मिलेगी तब तक वो लॉ पास ही नहीं हो पाएगा बहुत बार गवर्नर ऐसा पास पास में देखा गया है कि कि लॉस को अपने पास पड़े रहने देते हैं ठीक है, है, है है। है तो है, देखिए एक आर्टिकल हमने देखा था सेंट्रल एशिया से रिलेटेड इंडियन डिप्लोमेसी स्टेट क्राफ्ट नीड हुआ क्या था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने सेंट्रल एशियन कंट्रीज को रिपब्लिक डे की परेड में इन्वाइट किया था वहां के लीडर्स को और उसी के बाद हमने एक आर्टिकल देखा था ट्यूसडे के uh, में आई थिंक प्रोबेबली कि किस तरीके से भारत एंड सेंट्रल एशिया के रिलेशन चेंज uh, हो रहे हैं डायनामिक्स क्या है क्या हमें करने की जरूरत है एक्सेट्रा एक्सेट्रा और क्यों मोदी जी ने रिपब्लिक डे की परेड में सेंट्रल एशिया के लीडर्स uh, को ही एज ए एज ए गेस्ट इन्वाइट किया तो पहले तो देखो सेंट्रल एशिया थोड़ा सा आपका ये जो कंट्रीज हैं इनको हम सेंट्रल एशिया कहते हैं और रिपब्लिक डे की परेड में जो मोदी जी ने इनवाइट किया था वो किया था कजाकिस्तान किर्गिस्तान तजिकिस्तान तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान अब मैं यहाँ पे मोदी जी कह रहा हूँ कुछ लोग कहेंगे सर आप ये क्यों कह रहे हो मोदी जी ने इनवाइट किया था इंडियन गवर्नमेंट ने किया था तो भाई ठीक है लेकिन मंजूरी तो उनकी भी लगी होगी ना तो समझ लो बात फिर देखिए ये आपका है सेंट्रल एशिया अगर वर्ल्ड के मैप में देखो तो ये जगह जो है इसको सेंट्रल एशियन कंट्रीज कहा जाता है सेंट्रल एशिया रीजन क्या होते हैं तो ये देखिए आपके कैस्पियन सी से स्टार्ट होते हैं इधर ये रहा कैस्पियन सी ठीक है आपके वेस्ट में चाइना मंगोलिया पे आके खत्म होते हैं ठीक है सॉरी, uh, ईस्ट uh, तो ये जो बीच का पोर्शन एशियन कंट्रीज कहलाता है जैसे कि कजाकिस्तान किर्गिस्तान तजिकिस्तान तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान अब यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसपे मैं आऊंगा उससे पहले थोड़ा सा ना आप ये जान लो कि अभी सेंट्रल न्यूज एक क्या थी जिसका जैसे हमने इसको डिस्कस किया तो रिपब्लिक डे की परेड में हर साल किसी ना किसी लीडर्स को बुलाया जाता है बाहरी कंट्रीज के एक ट्रेडिशन बना हुआ चला आ रहा है तो उसी के चलते हुए अभी सेंट्रल एशियन लीडर्स को बुलाया गया था ठीक है अब देखो सेंट्रल एशियन कंट्रीज ना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्यों इंपॉर्टेंट है पहले हम उस उसपे बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट तो इसलिए कि फॉसिल फ्यूल वहां पे बहुत ज्यादा है पता है ना आपको कि ऑयल सबसे ज्यादा उधर ही है तो वो हम काफी इंपोर्ट करते हैं मिनरल रिच कंट्रीज होती हैं तो भारत को वो भी वहां से लेना होता है भारत की बड़ी मार्केट है हम काफ़ी कुछ एक्सपोर्ट करते हैं काफ़ी कुछ इम्पोर्ट करते हैं टेररिज्म से लड़ने के लिए हम इन कंट्रीज़ का साथ बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको मैं मैप पे वापस लेके जाऊं तो आप इस मैप को देखिए ठीक है इस मैप में आप देखिए कि अफगानिस्तान बगल में है इधर पाकिस्तान है और इधर ये कंट्रीज हैं तो अगर कल को हम इन कंट्रीज़ का सपोर्ट रहेगा और फ्यूचर में ना करें कभी बट ऐसा हो जाए कि इंडिया वॉर की सिचुएशन में चला जाए पाकिस्तान तालिबान इन सबसे तो ये कंट्रीज़ भी इनको इधर से सप्रेस करने के काम में आ सकती हैं तो हमारे लिए उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है इवन ये कंट्रीज खुद परेशान है पाकिस्तान अफगानिस्तान के द्वारा जो, जो टेररिज्म प्रमोट किया जाता है जो कि इनके तो पड़ोसी देश है तो ये कुछ बातें थी इसके अलावा देखिए भारत ने सेंट्रल एशिया के साथ रिलेशन बढ़ाने के लिए जो कुछ प्रोजेक्ट्स अपने बना रखे हैं वो क्या क्या है तो सबसे पहला है तर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन जिसको तापी गैस पाइपलाइन के नाम से जाना जाता है तो गाइज ये है आपकी तापी गैस पाइपलाइन ठीक है तज तर्कवेनिस्तान यह अफगानिस्तान ये पाकिस्तान और ये इंडिया तो इसे ही तापी गैस पाइपलाइन कहते हैं दूसरा है ईरान छाबार्स पोर्ट ये मैंने आपको डिटेल में ईरान न्यूक्लियर डील में छाबार पोर्ट का पूरा किस्सा समझाया था तो ये जो छाबार पोर्ट है हम इसको डेवलप कर रहे हैं यहाँ से नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं अफगानिस्तान और सेंट्रल एशियन कंट्रीज में जाने के लिए जिससे कि हमें देखो पाकिस्तान में डिपेंडेंसी ना रखनी पड़े अपन मस्त यहाँ से गुजरात से इधर से सामान इधर लाएं और यहाँ से फिर ट्रांसफर कर दें तीसरा है जाराजंज डेलाराम हाईवे अफगानिस्तान तो ये आपका है डेलाराम जो हाईवे क्रिएट किया गया है भारत के द्वारा एक्सपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट करने के लिए चीजों को बट अब यहां पे भी दिक्कत क्या है कि तालिबान आ चुका है अफगानिस्तान में तो ये चीजें कितनी रहती हैं फ्यूचर में सही हो तो पता नहीं बट देखते हैं इसके अलावा फिर इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर जिसको आई एन भी बोलते हैं इंस्टेक क्या है ये अब इस मैप को आप देखिएगा इससे आप समझेंगे ये भारत है भारत से रशिया में अगर आपको सामान भेजना होता था तो पहले ये रूट अपनाया जाता था पूरा नॉर्थ सी अमेरिका के पास से घूम घूम के इधर 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 फिर आप पहुंच रहे हो अपनी रशिया ठीक है बट अब ऐसा नहीं है एक ये रूट बनाया गया है जो हमने भारत में ईरान से लेके फिर अजरबाईजान अस्तरा मॉस्को एंड सेंट पीटर्सबर्ग ये जो रूट है ना इसी का नाम है नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर ठीक है पहले इसमें से भारत और रशिया ट्रेड करते थे बाद में बाकी कंट्रीज भी इसमें धीरे धीरे जुड़ गई तो थोड़ा सा जान लेते हैं नॉर्थ साउथ ट्रांस कॉरिडोर के बारे में 2000 में इंडिया ईरान रशिया ने अग्रीड किया था एक नया रूट बनाने के लिए जिसको आई हम बोल रहे हैं इट वॉज एम्ड एट कटिंग द कॉस्ट एंड टाइम इन मूविंग कार्वर बिटवीन रशिया एंड इंडिया दो दो में इसमें पैक्ट रेटिफाइड हुआ और काफी सारे कंट्रीज इसमें धीरे धीरे शुमार होते गए ईरान इंडियन ईरान ने 2003 हजार तीन में छाबारपुर डेवलपमेंट की बात शुरू कर दी थी मैंने आपको बताया है ये हर्डल्स क्या है अब इसके अंदर सबसे बड़ी चीज क्या है पाकिस्तान फैक्टर पाकिस्तान पड़ोसी है अब सेंट्रल एशियन कंट्रीज और हमारे बीच में क्या हर्डल्स हैं क्यों प्रॉब्लम्स आती हैं तो पाकिस्तान भी मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है और ये सब कंट्रीज भी मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज हैं तो प्रॉब्लम एक ये भी है कि कुछ मुद्दों पे जो पाकिस्तान आवाज उठाते जैसे कश्मीर एंड ऑल उसमें इन कंट्रीज का भी कहीं ना कहीं मत जो है वो पाकिस्तान की तरह हो सकता है दूसरा की पाकिस्तान के द्वारा जो टेररिज्म है वो इन्फ्लुएंस करके इन कंट्रीज़ में अगर फैलाया जाएगा तो इंडिया के लिए उतना ही नुकसान है जैसे कि अफगानिस्तान में अब तालिबान आ गया है तो वो तो कहने की बात है कि तालिबान कह रहा है कि हमारे आप पहले जैसे भी नहीं रहे बट है तो वो पाकिस्तान का ही भाई इन एक समय में आई एस आई ने ही तालिबान को क्रिएट किया था लैक ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट है ईरान एंड यूएस का सेंक्शन देखो ये छाबार पोर्ट वाली कॉन्ट्रोवर्सी मैंने आपको बताई थी आई थिंक कि ईरान ने ईरान के ऊपर यूएस ने सेंक्शन लगा रखा है और यूएस ने अपने दोस्त कंट्रीज से भी कह रखा है कि ईरान से ट्रेड कम करो तो भैया भारत ने भी ईरान से ऑयल इंपोर्ट करना कम कर दिया है अब कम कर दिया है तो छाबार पोर्ट पे हमारा कंस्ट्रक्शन जो है ना वो रुक चुका है यहाँ पे जो अगर आप भैया ईरान की इकोनॉमी को खराब करोगे तो ईरान आपको अपने यहाँ पे ट्रेड करने थोड़ा देगा तो यही सब मसले हैं जो समस्या दिख रही है फिर देखो क्या ईरान अफगानिस्तान बाईपास रूट तो इसमें सबसे बड़ा एक जो इशू है वो तो तालिबान का ही है एक ईरान का है दोनों चीज हमने देख लिया आगे बढ़े उससे पहले अगर आप लोग क्लैट यूजी की तैयारी कर रहे हैं क्लैट की तैयारी कर रहे हैं और आपको पांच साल का लॉ करना है एंड टॉप एनल्यूज में जाना है तो क्लैट 2022 के लिए हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है इलेवन का नाइन हंड्रेड थ्री मंथ का कोर्स है दो के लिए हमारा ईयर लॉन्ग बैच चल रहा है जो इसमें करना चाहे कर सकते हैं क्लैट दो के लिए करंट अफेयर बूस्टर का हमारा ये कोर्स है एलेट के लिए हमारे पास मॉक्स है एंड क्लैट के लिए हमारे पास मॉक्स है तो आप इसमें चाहे तो अपने आप को एनरोल कर सकते हैं जो एनलिसट की तैयारी कर रहे हैं एनलिस का मॉक खरीदना चाहें वो हमारे इन कोर्सेज को परचेस कर सकते हैं क्लैट पीजी की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो क्लैट पीजी की तैयारी करते समय भी आप हमारे यहाँ पे देख सकते हो क्योंकि क्लैट पीजी 2022 के लिए हमारे यहाँ क्रैश कोर्स चल रहा है क्लैट 2023 के लिए ईयर लॉन्ग कोर्स चल रहा है एंड क्लैट 2023 का मॉक भी हमारे यहाँ पे अवेलेबल है तो आप 22 का 23 का दोनों का मॉक हमारे यहाँ पे अवेलेबल है तो आप इस इसपे भी अपने आप को एनरोल कर सकते हैं इसके अलावा डी यू एल एल बी एंड डी यू एल एल बी के मॉक्स आप चाहें या इनके कोर्सेज परचेस करना चाहें तो आप वो भी कर सकते अगला आर्टिकल हमारा जो है वो हेट स्पीच के बारे में अभी काफी न्यूज में ये रहा था तो हेट स्पीच से रिलेटेड पिनर प्रोविजन क्या थे सेक्शन 153 ए 153 बी ऑफ आईपीसी सेक्शन 295 ए ऑफ आईपीसी 505 सब क्लॉज 1 505 सब क्लॉज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में हमने देखा था सेक्शन एट ये कहता था कि अगर कोई भी पर्सन जो है वो कन्विक्ट हुआ हुआ हेट स्पीच के मामले में ही कैन नॉट कंटेस्ट द इलेक्शन 123 ट्वेंटी थ्री सब क्लॉस थ्री है RPA, ये भी बार करता है किसी भी तरीके की रेस रिलीजन कम्युनिटी कास्ट लैंग्वेज और रेफरेंस टू द इलेक्शन एंड इट इंक्लूड्स अंडर द करप्ट इलेक्ट्रॉल प्रैक्टिस सुप्रीम कोर्ट के क्या पॉइंट्स रहे हेट स्पीच के बारे में तो प्रवासी भलाई संगठन वर्स यूनियन ऑफ इंडिया एक केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हेट स्पीच इज नथिंग जस्ट एन एफर्ट टू मार्जिनलाइज इंडिविजुअल बेस्ड ऑन देयर मेंबरशिप इन अ ग्रुप टू रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन ने भी क्लियर ओपिनियन दिया था कि आईपीसी के अंदर दो नए सेक्शंस इंक्लूड करने चाहिए 153 सी फाइव जीरो स्पीच का प्रॉपर एक क्राइटेरिया डाल सकेट स्पीच में है, जो कि के सच को अभी कहीं नहीं है और लोग इसको अपने तरीके से ट्विस्ट करते कि क्या चीज हेट स्पीच है क्या चीज नहीं है इससे रिलेटेड बिल भी पार्लियामेंट में आया था लेकिन वो पास नहीं हुआ है एक केस था आपका अमीश देवगन वर्स यूनियन ऑफ इंडिया जो की रिसेंट सुप्रीम कोर्ट का केस है हेट स्पीच से रिलेटेड और जिसमें हेट स्पीच हैज नो रिडमिंग और लेजिटिमेट अदर देन टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर ग्रुप ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अब एक हमने मार्शल रेप का आर्टिकल कल ही देखा है इसको जल्दी से देख लेते हैं मार्शल रेप क्या है इट्स एन सेक्सुअल इंटरकोर्स विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर स्पाउस शादी के बाद अगर एक स्पाउस का कंसेंट नहीं है और उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जा रहा है तो मार्शल रेप की कैटेगरी में आएगा हमने ये देखा था कि वर्ल्ड की 100 कंट्रीज के अंदर मार्शल रेप को क्रिमिनलाइज किया गया है बट 36 कंट्रीज अभी भी ऐसी हैं जहां पे नहीं किया गया है और इंडिया उसमें से एक है इसके अलावा फिर हमने कुछ आंकड़े देखे थे कि भारत के अंदर हर 16 मिनट्स के अंदर एक रेप हो रहा है एंड फोर मिनट्स के अंदर कुरल्टी एट द हैंड्स ऑफ अर इन लॉस को जो है महिलाओं को सहना पड़ता है यह आंकड़ा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा पब्लिश किया गया था फिर हमने एक आंकड़ा देखा था कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ऐसा कह रहा है कि भारत के अंदर 15 से लेकर 49 तक की बीच की महिलाओं को बी टाइम रेप्ड और फोर्स किया जाता है बाय हर हस्बैंड तो ये एक आंकड़ा हमने देखा फिर हमने एक आंकड़ा देखा था कि यहाँ पे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015- से 16 के बीच में यह आंकड़ा आया था कि 99.1 परसेंट ऑफ सेक्सुअल वायलेंस केसेस गो अनरिपोर्टेड तो ये कुछ डेटा एनालिसिस है जो सपोर्ट करता है कि क्यों मार्शल रेप को क्रिमिनलाइज कर देना चाहिए मार्शल रेप हमने क्यों देखा था क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट चाह रही है मार्शल रेप को क्रिमिनलाइज करना और यही मामला भी चल रहा है लीगल प्रोविजन भारत में क्या है रेप से रिलेटेड सेक्शन थ्री है और सेक्शन थ्री का सब प्लॉस जो टू है सब प्लॉस टू नहीं एक्सेप्शन टू है वो ये कहता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन विथ हिज वाइफ द वाइफ नॉट बीइंग अंडर 15 ईयर ऑफ एज इज नॉट रेप तो ये कहीं ना कहीं मार्शल लिप को जायज़ ठहरा देता है और यहीं पमेमेंट लाने की जरूरत है इसके बाद क्या फेवर में लोग बोलते हैं तो भैया आर्टिकल फोर्टीन का वायलेशन है इसलिए मार्शल को क्रिमिनलाइज कर देना चाहिए जबरदस्ती हो रहा है आर्टिकल ट्वेंटी वन का वायलेशन है राइट टू बॉडीली इंटीग्रिटी एंड प्रिवसी का फिर रेप इज रेप चाहे वो शादी के बाद हो चाहे पहले हो ये सारी बातें हैं जस्ट जे एस वर्मा कमेटी जो बनी थी निर्भया केस के बाद उन्होंने भी सजेशन दिया था कि मार्शल ए को क्रिमिनलाइज कर देना चाहिए जो अगेंस्ट में बोलते हैं वो बोलेंगे मिस यूज ऑफ लॉ हो रहा है जैसे फोर ए जो सेक्शन है आईपीसी का डोमेस्टिक वायलेंस वाला उसका बहुत ज्यादा मिसयूज होता है तो इस तरीके का इसका भी होगा मैरिज एक इंस्टीट्यूशन होती है उसको हार्म पहुंचेगा और एक ये कहते हैं कि भैया आर्टिकल 21 का किस तरीके से वॉयलेशन है आप मत रहिए ऐसे बंदे के साथ जो आपके साथ इस तरीके की चीजें कर रहा है तो ये बात यहाँ पे कही जाती है लॉ कमीशन ने अभी तक रिकमेंड नहीं किया है तो ये भी इसके पक्ष में एक बात बोली जाती है तो दिस इज़ इट गाइज दिस इज हमारा आज का सेशन आप लोग अगर हमारे इन कोर्सेज में इनरोल करना चाहते हैं नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप की लिंक है वहाँ से ऐप को डाउनलोड करिए आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं एंड आप हमारे नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं कोर्स परचेस करने के लिए थैंक यू सो मच गाइस जय हिंद